टोरवाइड हैज ए मीन रेडियस, हैज ए मीन रेडियस आर इक्वल टू ट्वेंटी बाई पाई सेंटीमीटर एंड ए टोटल ऑफ एंड ए टोटल ऑफ 400 टर्न्स ऑफ वायर कैरिंग कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पेयर एंड एल्यूमिनियम रिंग at a temperature 280 Kelvin inside the toroid provides the core. मतलब इसी एल्युमिनियम रिंग के चारों तरफ क्या हुआ है, टोरॉइड का जो वायर लपेटा हुआ है, ठीक है। एम ए फाइंड आउट करने का है इफ द मैग्नेटाइजेशन आई इज 4.8 into 10 to the power minus 2 ampere meter to the power minus 1. Find the susceptibility of aluminium at 280 Kelvin. पहला क्वेश्चन, दूसरा में इफ द टेम्परेचर ऑफ द एल्यूमिनियम रिंग is raised to 320 Kelvin. What will be the magnetization? ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि टोरॉइड दिया हुआ है जिसका मीन रेडियस 20/π सेंटीमीटर है और टोटल टर्न उसका कितना है, 400 टर्न्स ऑफ वायर, ठीक है, कैरिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पेयर, ठीक है। एल्युमिनियम रिंग एट टेम्परेचर, देखिए एल्युमिनियम जो रिंग है उसका टेम्परेचर 280 केल्विन है, वो इनसाइड द टोरॉइड प्रोवाइड्स द कोर, यानी कोर जो है जिसके चारों तरफ जो ये रिंग जो ये बना हुआ है, जो आपका वायर जो लपेटा हुआ है, इसी एल्युमिनियम रिंग के चारों तरफ ही लपेटा हुआ है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कितना है, 280 केल्विन है। इफ द मैग्नेटाइजेशन आई जो है, मैग्नेटाइजेशन एम जो है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, फाइंड द ससेप्टिबिलिटी ऑफ एल्युमिनियम एट 280 केल्विन। तो ससेप्टिबिलिटी हमको 280 केल्विन पे बताने का है। इफ द टेम्परेचर एल्युमिनियम इज रेज्ड टू 320 केल्विन, व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर। और 320 केल्विन 280 से कर दिया जाता है तब उसका मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू क्या होगा, वो भी बताने का है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले
कैसे किया जाए इसको, मैग्नेटाइजेशन हमको निकालना क्या है पहला में, सस्केप्टिबिलिटी निकालने का है ना, यानी एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू के लिए मेरे पास है, मेरे पास क्या है, मेरे पास हाँ, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो है आपका a के लिए m बराबर kx है ना, सॉरी m बराबर x, और ये इसका किसका हो गया ना, मैंने x h ये हो गया। अब देखिए ये मैग्नेटाइजेशन m जो हो गया वो किस पे डिपेंड कर रहा है, h पे डिपेंड कर रहा है, और x के साथ मल्टीप्लिकेशन है उसका, ये बात समझ में आ रहा है, m इज इक्वल टू x h हो गया। तो अब देखिए हमको m का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, और हमको इसका वैल्यू निकालना है ना, इसका दिया हुआ है इसका निकालना है, तो इसका हमको निकालना पड़ेगा, तब ना इसका इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो x निकाल लेंगे, तो h का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अच्छा h जो है वो टोरॉइड का है, तो टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड उसका वैल्यू क्या होगा, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड बाय म्यू नॉट कर देंगे तो एच का वैल्यू निकल जाएगा, और एक्स का एम का वैल्यू दिया ही हुआ है तो एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाय टू पाई आर, अच्छा म्यू नॉट एन आई बाय टू पाई आर, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, नंबर ऑफ टर्न्स एन जो आपका है वो कितना दिया हुआ है आपका, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ था ना, हाँ 400 टर्न्स। अच्छा आई जो करंट का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 2, और 2 पाई, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में करिए, 20 बाई पाई, और सेंटीमीटर है 10 टू द पावर माइनस 2, पाई पाई कट गया ठीक है, और ये 2 2 कट गया, 2 पाई हो गया, ये इसको करते हैं ये बहुत कट जाएगा, 2 10 जो हो गया 10 हो गया, 10 टू द पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई इंटू 10 का ये स्क्वायर, ये माइनस 7, और माइनस 1 जो ऊपर जाएगा, अच्छा ये बाई 10, ये 10 से इससे ना कटा है, 2 10 या 20 का 10 यहां ना होगा, 10 और 10 का माइनस 2 किया जाओ आपका हो गया 10 और माइनस 1 ऊपर जाएगा 10 और 1 यानी प्लस 1, यानी कि 8 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 4 माइनस 3, तो 3 माइनस 7 तो माइनस 4, 3 माइनस 7 माइनस 4 ठीक है, तो ये जो हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड हो गया ठीक है, ये टेस्ला में हो जाएगा आपका ठीक है। अच्छा ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड चेक कर रहे हैं कि ये सही है कि नहीं, यहां तक अच्छा ये नहीं दिया हुआ है ठीक है। अच्छा अब क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड का वैल्यू आपका इतना आ गया ठीक है, अब m का वैल्यू को निकालना है, नाउ m इज इक्वल टू एक्स एच, अच्छा m का वैल्यू x, और h के जगह पे b बाई म्यू नॉट हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, m इंटू म्यू नॉट बाई बी, m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और ये 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, अब b का वैल्यू 8 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये 2 से कट गया, और ये 2 से कटेगा तो 2 टू में 4 2 4 जाए 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 7 प्लस 4, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5, ये x का वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ठीक है।
ये x का वैल्यू आ रहा है, अब देखिए टेटर माइनस फाइव के टर्म में है और पॉजिटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गया एल्यूमिनियम। ठीक है, अब जो बात आ रहा है कि हमको सस्टेनेबिलिटी तो निकाल ली है, ये तो सस्टेनेबिलिटी जो हम लोग निकाले हैं एट 280 केल्विन आपको निकालने का था ना, 280 केल्विन स्टार्टिंग में जो मटेरियल है 280 ही केल्विन देना है, तो ये जो सस्टेनेबिलिटी का वैल्यू निकला है एट, इसमें लिख देते हैं दिस सस्केप्टेबिलिटी वैल्यू इज एट, कब का है ये, 280 केल्विन तक का है। ठीक है, अभी 280 केल्विन स्टार्टिंग में था, उस समय सस्टेनेबिलिटी निकाले तो वही है, 280 केल्विन का वैल्यू तक का है ये। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि टेम्परेचर ऑफ द एल्यूमिनियम रिंग को हम लोग कहां तक बढ़ा के कर देते हैं, 320 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला आता है, बी का आंसर निकालना है, वी हैव ए फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी, ये एक सस्केप्टेबिलिटी होता था, सी क्यूरिस कांस्टेंट होता था, म्यू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बाय टेम्परेचर। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में हम बताए थे कि ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला लोग देखिएगा तो ध्यान में आएगा। तो अभी देखिए कि 280 केल्विन पे x का वैल्यू इतना, हाँ अच्छा, इसको हम एक्स वन सी म्यू नॉट बाई टी वन और एक्स टू इज इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी टू ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स वन बाई एक्स टू इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन। अच्छा, एक्स वन का जो वैल्यू है आपका वो टी वन पे वैल्यू है ना, एक्स वन का वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बाई एक्स टू, हमको एक्स टू पे निकालना है और टी टू उसके लिए क्या है, 320 केल्विन है और उसके लिए पहले वाला टेम्परेचर कितना था, 280 केल्विन। एक्स टू का जो वैल्यू हो जाएगा, कैलकुलेट करिएगा तब, 280 बाई 320 इंटू 2.1 इंटू 10 टू द पावर 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, ये आपका वैल्यू आ रहा है। ठीक है, एक्स टू का वैल्यू आ रहा है। अब हमको निकालना क्या है, व्हाट इज इट्स मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन निकालना है, तो मैग्नेटाइजेशन निकालना है, तो इसको देखिए सब लिखने के बाद यहां पे लिखिएगा मैग्नेटाइजेशन जो इसका होगा, m का वैल्यू वो क्या होगा, x 2 इंटू h का वैल्यू। ठीक है, h का वैल्यू कितना है, x2 इंटू h का वैल्यू, h का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली ने दिया हुआ है, तो h का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, बी वाई म्यू नॉट करके, h का वैल्यू डायरेक्टली नहीं रहा है। ठीक है, तो x का, h का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं फिर, समझ में बात आ रहा है ना, यहां तक लिखिएगा, इसका इसको मिटा रहे हैं यहां पर, ये जो हो जाएगा x2 का वैल्यू 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और h का वैल्यू क्या होगा, b बाय म्यू नॉट, b बाय म्यू नॉट 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और b का वैल्यू कितना आया है, इतना 8 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और ये 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 2 से कट गया, 4.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और माइनस 4 प्लस 7, 4.2 इंटू 9 में 7 गया तो माइनस 2, ये आपका क्या आ गया, मैग्नेटाइजेशन m का वैल्यू आ गया एम्पियर मीटर टू द पावर माइनस 4, इसका यूनिट होता है। ठीक है, 10 टू माइनस 2 एम्पियर मीटर टू द पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटाइजेशन निकल गया।
इसको देखिए समझिए अच्छा से। तो सबसे पहले हमको क्या टोरॉइड दिया हुआ है, मीन रेडियस उसका दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू 20/5 सेंटीमीटर, टोटल टर्न 400, करंट उसमें 2 एम्पीयर, एल्युमिनियम रिंग का टेम्परेचर 280 केल्विन, इनसाइड द टोरॉइड प्रोवाइड्स अ कोर, टोरॉइड का कोर प्रोवाइड कर रहा है। टोरॉइड जान रहे क्या हो रहा है, टोरॉइड आपका क्या था, एक ऐसा रिंग था, इसमें क्या होता है, सोलेनोइड को बस समझ लीजिए ना कि मोड़ देंगे, उसका एक एंड से दूसरा एंड मिला देंगे तो टोरॉइड बन जाएगा। तो टोरॉइड में क्या होता है, ऐसे ऐसे आपका रिंग बना हुआ रहेगा, ये वायर बना हुआ रहेगा, एक से करंट जाएगा और एक से करंट निकल जाएगा घूम घूम के आएगा। तो और इसके अंदर जो मटेरियल जो लगाया हुआ है, ये जो मटेरियल जो अंदर लगा हुआ है वो है एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का रिंग है। और इसका टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना है, 280 केल्विन है, 280 केल्विन टेम्परेचर हो गया। सेम टाइप का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड और टोरॉइड का फॉर्मूला लोगों को पता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, तो उससे हम बी का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, ये बी का वैल्यू हो गया। अच्छा, उसके बाद जो एम जो होगा, मैग्नेटाइजेशन एम जो आपको निकालना है, मैग्नेटाइजेशन एम जो आपका होगा एक्स एच होगा, एक्स सस्कबिलिटी हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा, वो टोरॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बाय म्यू नॉट, एच क्या होगा इंटेंसिटी ना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, तो बी बाई म्यूनोट में होगा इसका, बी टोरॉइड वाली लिखिए इतना, अब म्यूनोट से डिवाइड किए, ठीक है, तो इतना करके जो वैल्यू आपका आया, तो एक्स का वैल्यू आपका फाइनली इतना आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया। अब बोला टेम्परेचर था एल्युमिनियम रिंग को हम जो है ना 320 केल्विन कर देते हैं, पहले 200 कितना था, 80 था, 280 जैसा टेम्परेचर, अब इसको बढ़ा के कहां कर दिया, 320 कर दिया गया। तो अब मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले हमको एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले, तो एक्स का वैल्यू इसका फाइनली इतना आया था, ठीक है, और यही एक्स का वैल्यू हम लोग एम इज इक्वल टू एक्स एच में फिर डाल दिए, एक्स टू का वैल्यू वही वाला डाले वैल्यू, और एच का वैल्यू बी बाई म्यू नॉट फिर हो गया, और सेम वैल्यू एम का वैल्यू आपका आ गया, ठीक है। चलिए इसको उतारिए जल्दी से। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। The magnetic intensity H at the center, of a long solenoid, carrying a current of 2 ampere, is found to be, ampere meter to the power minus 1. Find the number of turns, per centimeter of the solenoid, ठीक है, the magnetic intensity H at the center of a long solenoid carrying a current of 2 ampere is found to be 1500 ampere meter to the power minus 1. Find the number of turns per centimeter of the solenoid. ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, H का वैल्यू दिया हुआ है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच का वैल्यू 1500 एम्पेयर मीटर टू द पावर माइनस 1 दिया हुआ है। करंट आई का जो वैल्यू है वो है 2 एम्पेयर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर हमको निकालना है,
टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी कि एन का वैल्यू हमको निकालने का है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। तो सोलेनोइड दिया हुआ, इसका करंट 2 एम्पीयर जा रहा है, तो एच जो होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच का जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बी नॉट बाई म्यू नॉट। अब बी नॉट जो होगा वो किसका हो जाएगा, सोलेनोइड का हो जाएगा, तो म्यू नॉट एन आई बाई एन आई या बाई म्यू नॉट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एन आई। इधर बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, तो यही एन नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ है आपका, तो एच इज इक्वल टू एन आई। अब डायरेक्टली एच इज इक्वल टू एन आई हर जगह लिखेंगे, ठीक है हम लोग, अब बार बार इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए एच का वैल्यू कितना है, 1500। अच्छा, और नंबर ऑफ टर्न्स एन निकालना, और आई का वैल्यू 2 है, तो एन का वैल्यू 750 टर्न्स पर मीटर हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, 750 टर्न पर सेंटीमीटर निकालना है ना, तो 750 टर्न्स, एक मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देंगे 7.5 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, चलिए इसको देखिए, तो चलिए पहला सही है, 7.5 टर्न्स पर मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। Rod is inserted as the core in the current carrying solenoid of the previous problem से ये related है। ठीक है, A में निकालना है what is the magnetic intensity H at the center, magnetic intensity H at the center B में, if the magnetization I of the core is found to be 0.12 ampere meter to the power minus 1, find the susceptibility of the material of the rod. C में is the material diamagnetic or ferromagnetic,
चलिए A rod is inserted as a core in the current carrying solenoid of the previous problem. ठीक है. What is the magnetic intensity H at the center? ठीक है. If the magnetizer I of the core is found to be 0.12 ampere meter to the power minus 1, find the susceptibility of the material of the rod. Is the material paramagnetic, diamagnetic or ferromagnetic? ठीक है. ये आपका क्वेश्चन हो गया. चलिए तो ये जो क्वेश्चन है आपका पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है. तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग बस क्या क्या चीज दिया हुआ था उसको देख लिया जाए. देखिए एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो पहले वाले क्वेश्चन दिया था, करंट जो आपका है वो कितना था आपका 2 एम्पियर और मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसका कितना था आपका 1500 एम्पियर मीटर पावर माइनस 1. ठीक है. तो पहले वाले केस में एच का वैल्यू है 1500 एम्पियर मीटर टू द पावर माइनस 1 और करंट का जो वैल्यू था वो 2 एम्पियर था. ठीक है. अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं ना. हाँ ठीक है. तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का पहले वैल्यू पूछ रहा है. देखिए पहले जो करंट का जो वैल्यू है I इज इक्वल टू 2 एम्पेयर तो है या H का वैल्यू कितना लिखे 1500 एम्पेयर टू द मीटर पावर माइनस 1 जो लिखे. तो 2 एम्पेयर जब करंट का वैल्यू है तो H का वैल्यू जो है वो करंट ही पे डिपेंड करता है. और अभी जो आपका जो रॉड जो कोर के अंदर डाले है सोलेनोइड का तो करंट तो अभी भी सेम ही है सोलेनोइड में. अगर प्रीवियस प्रॉब्लम से आया है ये. जब करंट सेम है तो H का वैल्यू इसमें सेम ही आएगा ना. तो H का वैल्यू इसमें क्या अलग हो जाएगा. H का वैल्यू अभी भी सेम आएगा. तो इसमें भी जो H का वैल्यू होगा इसमें लिखेंगे द वैल्यू ऑफ H डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट विच इज सेम एज 2 एम्पेयर. सो वैल्यू ऑफ H विल रिमेन सेम इज इक्वल टू 1500 एम्पेयर मीटर टू द पावर माइनस 1. ठीक है. सभी बता रहा है. तो ये क्या होगा 1500 एम्पेयर मीटर टू द पावर माइनस 1 अभी भी इसका वैल्यू हो जाएगा. ठीक है. इसका आंसर चेक कर लिया जाए. ठीक है. पहला वाला जो पार्ट है उसका 1500 एम्पेयर मीटर टू द पावर माइनस 1 हो गया आपका सही. तो पहला तो आंसर सही है. अब चलिए दूसरे में आते हैं. इफ द मैग्नेटाइजर आई ऑफ द कोर इज फाउंड टू बी कितना दिया हुआ है. अच्छा बी पार्ट में जो मैग्नेटाइजेशन आई, अच्छा इसमें एम कर देते हैं. ठीक है. मैग्नेटाइजर एम जो आपका है उसका जो वैल्यू है वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.12 एम्पेयर मीटर टू द पावर माइनस 1. तो हमको क्या करना है फाइंड द सस्केप्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड. सस्केप्टिविटी का वैल्यू निकालने का है. ये तो आसान है. वी हैव एम इज इक्वल टू एक्स एच. यही ना सस्केप्टिविटी होता है 0.12 एक्स. एच का वैल्यू 1500. एक्स का वैल्यू 0.12 बाय 1500. ठीक है. तो इसको चलिए इसको डिवाइड करते हैं. इसको डिवाइड किया जाएगा पॉइंट 12 डिवाइडेड बाई 1500. एट इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा आपका इसका वैल्यू. इसका आंसर कितना आ रहा है. सही है. 8 इंटू 10 टू द पावर 5 यानी x का वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है. x का वैल्यू यानी सस्केप्टिविटी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए. अब ये पूछ रहा है मटेरियल पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक. 8 टू द पावर माइनस 5 के टर्म में है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल.
ये पैरा मल्टीपल आ गया। इसका लिखते हैं सी में डी वाला था, सिंस वैल्यू ऑफ एक्स इज इन टर्म्स ऑफ 10^5 एंड इज पॉजिटिव सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, यह पैरामैग्नेटिक समझ बात आ रहा है, तो पैरामैग्नेटिक हो गया, ये तीनों पार्ट इसका आंसर निकल गया। ठीक है, इसको ये चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड having 50 turns per centimeter, 50 turns per centimeter is increased from 2.5 × 10^-3 टेस्ला टू 2.5 टेस्ला 2.5 टेस्ला when an iron core of cross sectional area 4 cm² is inserted into it find A में current the current in the solenoid B में the magnetization I of the core C में the pore strength developed in the core। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को फिर से पढ़ दिया जाए। The magnetic field inside a long solenoid having 50 turns per centimeter increased from 2.5 × 10^3 tesla to 2.5 tesla, where an iron core of cross sectional area 4 cm² is inserted into it. Find A the current in the solenoid, the magnetization M of the core, and the pore strength developed in the core. ये तीनों चीज आपको निकालने का है। ठीक है, तो देखा जाए सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपका दिया हुआ है, यानी कि एन का वैल्यू दिया हुआ है वो 50 टर्न्स
पर सेंटीमीटर, यानी 50 टर्म्स, 1 सेंटीमीटर टेटर माइनस 2 मीटर, यानी कि 5000 टर्म्स पर मीटर। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है वो आपका कहां से कहां चल गया? मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है कहां से कहां गया? 2.5 × 10⁻³ टेस्ला से 2.5 टेस्ला चला गया। कब? जब आयरन कोर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इतना लगाए हैं तब। आयरन कोर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एरिया जो आपका हो जाएगा वो कितना है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 × 10⁻² मीटर का स्क्वायर, यानी कि 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। हाँ, जब आयरन का कोर लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको भी बढ़ेगा ही, इतना से इतना बढ़ेगा। ठीक है, देख रहे 1000 गुना बढ़ गया 10⁻³ के साथ, यानी 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तब 2.5 आएगा। 1000 गुना बढ़ गया, क्यों? कहेंगे एक आयरन कोर लगा दिया तो करंट इन द सोलेनोइड हमको निकाल लेगा। देखिए इनिशियल में मैग्नेटिक फील्ड तो इतना है, तो पहला निकालते हैं इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कितना है? 2.5 × 10⁻³। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो सोलेनोइड में क्या होगा? म्यू नॉट एन आई, और ये क्या होगा? 4π × 10⁻⁷। और नंबर ऑफ टर्म्स पर मीटर कितना हो जाएगा? 5000। करंट का वैल्यू दिया हुआ है, अच्छा करंट का वैल्यू निकालना है, यही तो आई का वैल्यू निकालने का है। इसका वैल्यू कितना दिया है? 2.5 × 10⁻³, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.5 × 10⁻³ बाय 4π × 10⁻⁷ गुना 5000। सही बात आ रहा है, 5000 हो गया ये, तो इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करते हैं इसको, टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.0398 आ रहा है, × 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +7, आई ये 3 है ऊपर जाएगा तो -3, ये क्या होगा? 0.0398 × 10⁻¹, -6 + 1 10 खाली हो गया ये। ठीक है, सिर्फ 10, तो ये जगह 0.398, यानी कि 0.4 लगभग, ठीक है, एम्पेयर करंट का वैल्यू हो जाएगा। इसका आंसर भी लाया जाए 0.4 एम्पेयर। ठीक है, तो आई का वैल्यू 0.4 एम्पेयर आ रहा है, ये इसका आंसर हो गया पहला। ठीक है, करंट तो हम निकाल लिए इसमें, अब हमको मैग्नेटाइजेशन ऑफ एम ऑफ द कोर निकालने का बोल रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन एम निकालने के लिए बी पार्ट है ना, देखिए मेरे पास है फॉर्मूला एम इज इक्वल टू बी बाय म्यू नॉट माइनस एच। ठीक है, अच्छा तो बी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो फाइनल वाला मैग्नेटिक फील्ड वाला बात बोल रहा है ये, 2.5 वाला। ठीक है, तो ये 2.5 बाय 4π × 10⁻⁷, और माइनस ये एच का वैल्यू एन आई हो जाएगा, ये सोलेनोइड का आ रहा था एन आई ना हो जाएगा ये, तो ये 2.5 बाय 4π × 10⁻⁷ एन का वैल्यू कितना आ रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स पर लेंथ, इसका वैल्यू 5000 आ रहा है, और इनटू आई का वैल्यू 0.4, यही ना है आपका। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, तो आता है इसका वैल्यू 2.5 डिवाइडेड बाय
पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन 20, ठीक है। अच्छा, ये 10^7 ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10^6 माइनस 2000। तो 2000 तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसके आगे, 20 लाख के आगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 10^6 ये मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 2 × 10^6। अच्छा, इसका यूनिट लिख दीजिए एम्पेयर मीटर टू द पावर माइनस वन, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइजेशन एम का वैल्यू हो गया। अब देखिए तीसरा पार्ट निकालने के लिए बोल रहा है पोल स्ट्रेंथ। तीसरा पार्ट क्या निकालना है आपको, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। तो इसके लिए मेरे पास क्या है, मैग्नेटाइजेशन M इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ M बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसके लिए M का वैल्यू कितना है, 2 × 10^6 और पोल स्ट्रेंथ M, और एरिया का वैल्यू कितना है इसका, 4 cm², ठीक है। तो 4 × 10^ एरिया का लिखे थे 4 × 10^-4 m², ठीक है। एम का वैल्यू 8 × 10^2 यानी 800। ये किसका वैल्यू क्या होता है, एम्पेयर मीटर होता है, ठीक है। तो 800 एम्पेयर मीटर, चलिए ये भी सही हो गया। तो ये आपको पोल स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए इसको उतारिए आप, तो आप लोग देख लिया इसको, क्वेश्चन में हुआ क्या था, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड लॉन्ग सोलेनोइड हैविंग 50 टर्न पर सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। अच्छा, उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना से 2.5 टेस्ला इंक्रीज कर जाता है, क्यों, जब उसमें आयरन कोर जब डालेंगे तब उसके अंदर उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू है 4 cm², इसको m² में चेंज कर इतना आ गया। अब क्या करना है, करंट इन द सोलेनोइड हमको निकालने का है। तो करंट आपको सोलेनोइड में निकालना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है आपका, इतना, और मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, यही ना होता है सोलेनोइड में। तो म्यू नॉट एन और आई का वैल्यू को निकालना है, बाकी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया था, आई यहां से निकाल लिया 0.4 एम्पेयर। अब दूसरा में क्या था, मैग्नेटाइजर एम ऑफ द कोर हमको निकालने का है। तो मैग्नेटाइजर एम का वैल्यू हमारा फॉर्मूला है P/μ·H। देखिए एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू B/μ·I, मतलब माइनस एम। एम उधर ले जाएगा तो एच इधर भी ला सकते हैं, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला फॉर्मूला हो गया, और उससे बी का वैल्यू और नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, एम एच का वैल्यू एन आई होता है, तो एम आई डाल दिए, बाकी सबका वैल्यू डाले, एम का वैल्यू इतना आ गया। अब मैग्नेटाइजेशन एम का वैल्यू को पता है, पोल स्ट्रेंथ पर एरिया भी होता है, तो एम बाई एरिया लिख दिए, तो एम का वैल्यू आ गया पोल स्ट्रेंथ का, इसको उतार दिए, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, उसका मिटाएंगे, अगला सवाल लग जाएगा।